हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी की एक और वेबकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला और हमेशा के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं शाहिद खान। वेलकम शाहिद खान। हेलो सौरभ, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वेबकास्ट। और आज हमारी 34th वेबकास्ट है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली थोड़ा सीरियस टॉपिक भी है, लेकिन बहुत सुनने में आ रहा है कि रिसेशन टाइम चल रहा है, इकोनॉमिक डाउन टाइम चल रहा है, और जैसा कि पास्ट में रिसेशन फेस कर चुके हैं लाइक 2008 में, वैसे ही मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि रिसेशन आ सकता है। तो हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रिसेशन में एक्चुअली होता क्या है, क्या इसमें जॉब कट्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, और इसे हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो यही बात आज हम करेंगे। तो सौरभ, चलिए शुरू करते हैं। आप देना चाहेंगे कुछ आउटलाइन इस पर्टिकुलर टॉपिक पर? हाँ, शायद मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे ज़्यादातर लिसनर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी अभी जॉब ज्वाइन करी है। अभी प्रोफेशनल तो हो चुके हैं लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ है जॉब ज्वाइन किए हुए, तो करियर को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। तो हम लोग, ये जो टॉपिक है रिसेशन का, ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत सारे एरिया को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग थोड़ा फोकस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों पर, जिसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिसेशन की ये न्यूज़ एक्चुअल में है क्या। हालांकि सभी लोगों ने मीडिया में इसको सुन लिया है, लेकिन मीडिया से जो वो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो अलग हो सकता है और जो रियलिटी है वो अलग हो सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई कितना हमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कि एज अ स्टूडेंट हमें चाहिए जॉब, और अगर हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं आगे तो ये चिंता की बात हो सकती है। तो फिर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये बात करेंगे। और रिसेशन जो पास्ट में आ चुका है, शायद आपने भी इससे पहले आईटी इंडस्ट्री में रहते हुए रिसेशन को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उस समय का फेज कैसा था। तो आपसे आपके एक्सपीरियंस भी जानेंगे और फिर फाइनली स्टूडेंट्स को इस समय क्या करना चाहिए, अगर रिसेशन आता भी है तो क्या टिप्स होंगी जिससे कि उन्हें रिसेशन से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं शायद, लेकिन उससे पहले मैं एक रिचुअल ज़रूर पूरा कर देना चाहता हूँ। हमेशा की तरह बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक छोटा सा कॉन्टेस्ट करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा एक फॉर्म का, जिसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और साथ ही आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि आज ही की वेबकास्ट पे बेस्ड होंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस कौन से हैं ये आप लास्ट में देखिएगा, पहले पूरी वेबकास्ट सुन लीजिए और उसके बाद अगर आपने सही आंसर दिया तो आप में से किसी एक को मिलेगा माय सर जी की तरफ से गिफ्ट। तो इसको हम बोलते हैं लर्न एंड अर्न। तो शायद शाउट आउट सेक्शन आप लेना चाहेंगे? जी हाँ, शाउट आउट मैं लेना चाहूँगा, और शाउट आउट वैसे हमारे पास 3 हैं, मैं लेता हूँ पहला और उसके बाद बाकी आप लीजिएगा। तो जो पहला नाम है वो है अमन कुमार मिश्रा। तो सौरभ, याद है पिछले वेबकास्ट में हमने बताया था कि हमारी माय सर्जी फैमिली में से किसी को एक बहुत अच्छा जॉब लगा था, हमने उनका नाम लिया था, पूरी डिटेल्स बताई थी। उसी से इंस्पायर होकर जिन लोगों का ऑलरेडी जॉब लग चुके हैं उन लोगों ने बताया कि हमारा भी जॉब यहाँ लगा है। उनमें से एक हैं अमन कुमार मिश्रा, और ये बताते हैं कि ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ टेक्नो इंडिया साल्ट लेक सिटी, और इनका सिलेक्शन हुआ है नोमुरा रिसर्च टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर। और इन्होंने अपना पैकेज भी बताया है विच इज़ 8.5 लाख पर एनम, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज है अभी के जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अमन, हमें बहुत खुशी है कि हमने आपके लिए कुछ किया या हम आपके इस सक्सेस का थोड़ा सा पार्ट रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस न्यूज़। एंड सर, बहुत अच्छा लगता है अगर कोई ऐसी न्यूज़ शेयर करता है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एग्जैक्टली, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं जो वो होती है जॉब, करियर, और अगर उन्हें पहला ब्रेक मिल जाता है तो ये उनके लिए भी खुशी की बात है और हमारा भी एक मकसद सॉल्व होता है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं इसलिए कि उनको उनका करियर पाथ मिल जाए, उनको उनकी ज़िंदगी की सही शुरुआत हो जाए। और अमन ने वो कर दिखाया है, अमन बधाई के पात्र हैं और अमन जैसे लोग बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए, जिन लोगों ने सपना देखा होगा आईटी सेक्टर में आगे बढ़ने का। यहाँ पर 2 नाम मैं और लेना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं शायद लेकिन ये कंपाइल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन 2 नाम और मैं लेना चाहता हूँ। एक कुमार सानू का नाम है जिनका फर्न्स एंड पेटल्स कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, इसके अलावा प्रयाग पारिक एक और नाम है जिनका TCS में सिलेक्शन हुआ है। आई एम श्योर बहुत सारे और भी लोग हैं माय सर जी फैमिली से जिनका सिलेक्शन हुआ है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में अपने इस अचीवमेंट के बारे में लिखें ताकि सभी लोगों को पता चले कि हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एज अ माय सर जी फैमिली जो कोशिश कर रहे हैं वो एक मुहिम है और सब उसमें
इंस्पायर होकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो ये जो अचीवमेंट्स हैं ये डेफिनेटली बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देगी। तो शायद सभी लोगों को बधाई एक बार फिर मैं देता चाहता हूँ, और अब हम लोग अपने मेन कॉन्टेंट की तरफ मूव करना चाहेंगे, क्या कहते हैं आप? यस डेफिनेटली, तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन कंटेंट। लेकिन मेन कंटेंट स्टार्ट करने के पहले मैं सभी व्यूवर्स को एक बार ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये हमारे एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से कोई सजेशन दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर या कोई स्क्रिप्ट नहीं है या कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है जो हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। पहली बात तो हम ये बता रहे हैं कि रिसेशन श्योर नहीं है कि होगा। ओके, तो इस बात को ये समझिए कि ऐसा नहीं कि हम ये न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। नहीं, हम तो पहली बात ये कह रहे हैं कि रिसेशन से डरिए मत, पहली चीज़। उसके बाद अगर इन केस गॉड फॉरसेक कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, तो इस बात से ही शुरुआत करते हैं। ये हमारा एक डिस्क्लेमर है। और सौरभ, आप स्टेटिस्टिक्स बड़ी अच्छी देते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप स्टार्ट करो। आपने इतना वैलिड पॉइंट बोला है, और ये सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हम दोनों ही अर्थशास्त्री नहीं हैं, तो हम लोग इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट करने के स्थिति में नहीं है। लेकिन एज अ गाइड, एज अ मेंटर ऑफ मैनी माय सर्जी लर्नर्स, हम लोग उनको ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको क्या करना है, और ऐसी स्थिति आने के कैसे चांसेस हैं उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूँ तो शायद उससे आपको हेल्प मिले सिचुएशन को समझने में। सबसे पहली बात तो ये जो मीडिया है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं और बहुत सारे मीडिया, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हो या फिर टेलीविजन पे आप लोग देखते हो, बहुत सारे लोग टीआरपी गेन करने के लिए कई चीज़ों को बहुत हाइप देते हैं, और हाइप देने के कारण एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है, और ये पता नहीं चलता है कि ये चीज़ कितनी इंटेंस्ड है। तो न्यूज़ सुन के तो ऐसा लगता है कि बस धरती पे प्रलय आने वाली है और बस कल धरती खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से न्यूज़ को पेश किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था कितनी डेंजरस सिचुएशन में है वो शायद उतना नहीं होगा जितना इंटेंसिटी से न्यूज़ पेश की जा रही है। तो सबसे पहले तो उन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे आप गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ऑनेस्ट और अनबायस्ड वे में इस चीज़ को आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो शायद इंडियन गवर्नमेंट का डिज़ायर है, मोदी सरकार की जो ड्रीम है, वो ये है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, $5 ट्रिलियन साइज की इकोनॉमी बन जाए, जो कि एम्बिशियस बात है और हम लोग सब चाहेंगे कि हाँ ऐसी तरक्की हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी की स्टेट में जो इंडिया की स्टेटस है, इकोनॉमी साइज है, वो है 2017 का अगर मैं आंकड़ा बताऊँ तो $2.65 ट्रिलियन। तो हम लोग अगर 5 ट्रिलियन पे पहुंचना चाह रहे हैं तो अभी लगभग आधा रास्ता और तय करना है। और इसके अलावा जब 2018 की बात करें तो ये थोड़ा सा बढ़ गया था, $2.73 ट्रिलियन हो चुका था। लेकिन आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यूएसए जो नंबर वन पे है, उसकी इकोनॉमी का साइज है $20.49 ट्रिलियन। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और आप देखेंगे कि अगर ये फर्स्ट नंबर पे है तो सेकेंड नंबर पे चाइना है जो $13.61 ट्रिलियन पे है। आप सोचिए इन दोनों में ही कितना ज्यादा गैप है। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो जापान आता है, जिसमें अगेन बहुत ज्यादा गैप है, $4.97 ट्रिलियन की इकॉनमी है। देन जर्मनी $3.9 ट्रिलियन। तो उस हिसाब से शायद ऐसा लगता है कि इंडिया की स्टैंडिंग कोई बहुत बुरी नहीं है, क्योंकि टॉप 7 में अगर कोई कंट्री आ रही है तो इट्स गुड, बहुत प्रगतिशील देश है हमारा, तो इट्स नॉट अ बैड एक्चुअली। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में क्या हुआ ना कि हमारी पोजीशन जो कि 6 नंबर पे थी, वो वहाँ से खिसक के 7 नंबर पे आ गई। तो सभी लोगों में हड़कंप मच गया कि अरे 6 पोजीशन से 7 पोजीशन पे आ गए तो मतलब कि बहुत बुरा होने वाला है। और एक्चुअल में हमने बुरा उतना परफॉर्म नहीं किया जितना कि दूसरी कंट्री ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर लिया, और बहुत ही माइनर अंतर से कोई हमसे आगे निकल गया। यह मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस और ब्रिटेन की, जो हमसे आगे निकल गए हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो मुझे लगता है कि इकॉनमी वाइज इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं, शायद तो वो 5% पर आ चुकी है, ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। लेकिन हमें इसके कारण जानने जरूरी हैं, क्योंकि जीडीपी अभी अगर थोड़े से कुछ सही डिसीजंस हो जाएंगे और कुछ सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। शायद एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे देश में जब जॉब्स निकलती हैं, खासतौर पर अभी हाल ही का मैं इंसिडेंट्स बताऊं,
रेलवे ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी, वैकेंसीज थी करीब 63,000, और इसके लिए एप्लीकेंट्स जिन लोगों ने अप्लाई किया था इस जॉब के लिए, वो थे 1,90,00,000 लोग। आप सोच के देखिए बेरोजगारी का स्तर क्या है हमारे कंट्री में। तो इस पे कुछ कमेंट करेंगे आप? हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी एप्लीकेशन आप लोगे कैसे और फिर स्कैनिंग कैसे करोगे? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन कितनी है, और पॉपुलेशन कहीं ना कहीं जाकर ये प्रॉब्लम होती ही है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जॉब्स के लिए ही होती है. तो या यहाँ पे तो कोई रेशियो ही नहीं है कि एक वैकेंसी के कितना होगा, 1:100 और 1,000, लाइक 1,000 टाइम्स और मोर देन इसमें दैट. इसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो जो स्किल्ड हैं भी नहीं, मतलब ये भीड़ बढ़ा रहे हैं सिर्फ, और इन्होंने कभी तैयारी भी नहीं करी है एग्जाम की, लेकिन वो एग्जाम फेस कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। तो उन्होंने उन्हें लगा कि एक एग्जाम का फॉर्म भर देंगे तो हमारा शायद सेलेक्शन हो जाएगा। वो लक के भरोसे ज्यादा है, मैं ऐसा और मानता एक और हूँ। बात, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हर कोई अप्लाई कर देता है. ऑनेस्टली आई मीन अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए वर्क करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा पेंशन आती रहेगी. हाँ, मतलब एक जॉब बार पक्की जॉब हो लग जाएगी गया तो हमारी। उसके बाद तो कोई हमें निकाल ही नहीं सकता. और फिर प्लस ब्राइबरी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट, और जो पता नहीं एक लोग सही ऐसा बात नहीं क्यों है. सोचते हैं कि ये परमानेंट जॉब होगी, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब में अनसर्टेनिटी और गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो या आई मीन दिस इज व्हाट इट इज, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. ये तो हमने एक सिर्फ एक फिगर आपको बताया है एक के कितनी ज़्यादा लोगों में जॉब्स को लेकर आई डोंट नो कुछ एक मेंटेलिटी ऐसी है. लेकिन आप ये याद रखिए कि इसमें से बहुत कम लोग होंगे जो स्किल्ड होंगे और जो उस पर्टिकुलर पोजिशन को डिजर्व करते हैं. तो वैसे हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो ऐसे ही एक फैक्ट सामने आया तो उस पर हम शुरू हो गए. तो सौरभ चलिए अभी हम मार्केट को देखते हैं. जो मार्केट में अभी जो मेजर डिक्लाइन आया है वो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अभी ये सुनने में भी आया कि कार इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एकदम से डिक्लाइन आया है. दूसरा जो डिक्लाइन आया है वो रियल स्टेट में आया है. तो मुझे ऐसा लगता है सौरभ कि इट इज़ एक्चुअली जेनुइन. अगर कहीं से भी ये मार्केट में एक बार न्यूज़ आती है कि रिसेशन आने वाला है, जस्ट एक हल्की सी र्यूमर, आप सबसे मुझे पहले क्या करोगे, आप क्या मुझे सोचोगे? मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि ये जो ऑटो इंडस्ट्री वाली न्यूज़ आई हुई है, इसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारी जीडीपी में करीब 10% हिस्सेदारी ऑटो इंडस्ट्री की होती है। तो अगर जीडीपी डाउन हुई है तो उसका एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा डाउनफॉल आया। गाड़ियां बनी हुई रखी हुई हैं लेकिन खरीदार नहीं है, और खरीदार नहीं होने की वजह से कई सारे डीलरशिप बंद हो गई हैं। कई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन लोगों ने एक एक दिन दो दो दिन छुट्टी रखी हुई है, प्लांट में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और स्टॉक अभी क्लियर हो नहीं पा रहा है। तो ये जो डाउनफॉल आया, अभी कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अभी बहुत सारे रीज़न हैं इसके इसके लिए हम किसी एक रीज़न को नहीं मान सकते हैं। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक जारी हुआ था कि जो ओला कैब वगैरह है और इस तरह की कैब वगैरह लोग यूज़ करते हैं और इसलिए लोग खरीदते नहीं। आई डोंट एग्री विद दैट पॉइंट हालांकि, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट को अपना पॉइंट तो रखना ही होता है। पर हाँ, इससे फर्क इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है, ये तो फैक्ट है। अब इससे जॉब्स रिड्यूस होगी नो डाउट। अभी रियल एस्टेट का सेक्टर भी आप देखिए, रियल एस्टेट का सेक्टर में ये हालात है शायद कि 13 लाख के लगभग मकान बने हुए रखे हुए हैं इंडिया के टॉप 30 शहरों में और उनका कोई खरीदार नहीं है। तो आप सोच के देखिए जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करे होंगे, इतने सारे मकान बनाए होंगे, उसके लिए हो सकता है कि उन्होंने कर्जा भी लिया हो बैंक से, और जो कर्जा लिया होगा वो चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि मकान बिके नहीं है। तो एक तो उनका बिजनेस भी थोड़ा सा नीचे चला गया, प्लस बैंक को पैसा वापस नहीं मिला तो बैंक को भी इससे नुकसान हुआ, तो वो आगे कर्ज देने में भी थोड़ा सा कदम फूक फूक के रख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी मार्केट में फैलती है जो दूसरे सेक्टर्स को भी अफेक्ट करती है, और वो सब कुछ यहाँ चल रहा है। यहाँ पर हम साथ में बात कर सकते हैं शेयर मार्केट की भी। शेयर मार्केट का भी थोड़ा सा अभी डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन शेयर मार्केट का मैंने देखा है कि कुछ एक पॉजिटिव बात अगर हमारे प्रधानमंत्री कर देते हैं तो वो शेयर मार्केट अप हो जाता है, कोई एक नेगेटिव बात हो जाती है तो फिर वो नीचे आ जाता है। तो थोड़ा सा वो ट्रस्ट पे और न्यूज़ पे ज़्यादा
ड्रिवन होता है शेयर मार्केट, मुझे ऐसा लगता है। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें उसका उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हाउ यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ वर्किंग, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और उसी से ज़्यादा इनकम रहती है। तो अभी सभी मतलब सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी स्टेबल नहीं है। यूएस में भी थोड़ी इकोनॉमिकली डाउन ही चल रहा है, डाउनफॉल है। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ यूएस एंड चाइना ट्रेड, बट यूएस और चाइना की अगर इकोनॉमिक स्लो है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है तो ऑफ कोर्स इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया को भी पड़ेगा। तो ये एक्चुअली वर्ल्ड मार्केट राइट नाउ इज़ गोइंग थ्रू दिस, तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा हो रहा है। और यस, शेयर मार्केट जो रहता है वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है, वो किसी भी चीज़ से अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, सो इट इज़ काफ़ी मैनिपुलेटिव है। सो आई अच्छा, थिंक इट सबको मिलाकर एक साथ ही हो रहा है। आज की डेट में जो रिसेशन की हम बात कर रहे हैं उसके रीजंस बहुत डिफरेंट हैं। और इसके पहले जो रिसेशन आया था 2008 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आईटी सेक्टर को एक हल्का सा डेंट लगा था, वो जो टाइम था और आज के टाइम में बिल्कुल रीजन अलग-अलग है, लेकिन एक रिसेशन था और उस रिसेशन से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नुकसान फील हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स पे भी दिक्कत आ रही थी, एग्जिस्टिंग जॉब भी ले ऑफ हो रहे थे। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस आपका है आईटी इंडस्ट्री में रहते हुए कि सत्यम वाला खास तौर पे जो केस हुआ था उस समय के बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, तो जो 2008 का रिसेशन था, इट वाज द वर्स्ट रिसेशन इन द हिस्ट्री। तो पहली बात, इट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग। रिसेशन अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन 2008 का बहुत सीवियर रिसेशन था। लेकिन अगर हम इंडिया और यूएस को कंपेयर करें इसी सिचुएशन में, यूएस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। मतलब एवरीबडी वॉज थिंकिंग कि उनका जॉब जाने वाला है, और बहुत सारे लोगों का जॉब गया था। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में एज सच जॉब कट्स हुए थे, लेकिन लेऑफ्स ज़्यादा नहीं हुए थे। और बेसिकली जो लेऑफ्स हुए थे वो हुए थे लाइक कंपनी को लग रहा था कि उन्हें थोड़ा ट्रिम करना है, उन्हें लेऑफ्स करना है, लेकिन कंपनी हर किसी को नहीं निकाल रही थी। इवन प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी नहीं निकाल रही थी। कंपनी क्या कर रही थी उस वक्त, देवर लिस्टिंग आउट। तो वो सबसे पहले देख रहे थे कि कौन सी ब्लैक लिस्टिंग है, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कोई फेक एक्सपीरियंस लेटर्स दिए हुए हैं। अब वो उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय अपना एक्सपीरियंस लेटर देता है तो वो एक कंपनी का नाम ज़रूर देता है। अब ये कंपनीज हर कंपनी के एक डेटाबेस में रहती हैं कि ओके इस कंपनी से इतने एम्प्लॉयज आए हैं। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि ओके इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये कुछ फेक एक्सपीरियंस देती है या ये पैसा लेकर एक्सपीरियंस देती है, ये उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। और जो भी उस कंपनी से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं फिर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो वो उनकी फिर से बैकग्राउंड चेक करते हैं, और ऐसे में जो भी पकड़ा जाता है उसको वो लोग निकाल देते हैं। तो ये ऐसी जो बोलते हैं ना छटाई होती है, ये कटौती इसी वक्त होती है। सो 2008 में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई थी। जो सेकेंड चीज़ हुई थी वो थी परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यूज़, जिसके भी रैंकिंग लाइक जो भी परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं जिनके पुअर परफॉर्मेंसेस थे उन्हें भी ले ऑफ हुआ था। सो बेसिकली अच्छे एम्प्लॉयज़ को जिनका टेक्निकल अच्छा था, जिनका बैकग्राउंड क्लीन था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एज सच आई वॉज ऑल्सो डूइंग अ जॉब उस वक्त, एंड आई डिड नॉट फेस, इवन मुझे सच में इतना कुछ प्रेशर भी फील नहीं हुआ था कि ओके माय जॉब कैन ऑल्सो गो। लेकिन जब मैंने दूसरों को देखा, मेरे मेरे ही प्रोजेक्ट्स में से कुछ लोग गए थे, और फिर बाद में पता चला था कि रीज़न क्या था, तो वो रीज़न वही था कि फेक सर्टिफिकेट्स हुए थे या फेक एक्सपीरियंस दिया था। स्पेशली जो लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं उन्हें लगता है कि एज अ फ्रेशर जॉब नहीं मिलेगा, तो मैं एक साल का कहीं से भी एक्सपीरियंस लेकर फिर एक्सपीरियंस लगा दूं, तो फिर एक बार कंपनी में जॉब लग गया तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ट्रबल में आते हैं। सो आई थिंक 2008 में इंडिया में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था अनटिल सत्यम का जो स्कैंडल हुआ था, और सत्यम का स्कैंडल रिसेशन से कहीं तक रिलेटेड नहीं था। इट वो पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। तो सत्यम का जो स्कैंडल था वो बेसिकली ये था कि उसका जो सीईओ है उन्होंने 20-25,000 फेक एम्प्लॉयज़ बना के रखे थे, ताकि उनकी जो भी सैलरी आती थी वो सीईओ के अकाउंट में कहीं से, और भी उनसे रिलेटेड लिंक्स होंगी, बट मेनली सीईओ वाज द मेन कल्प्रिट। तो वो जो फेक सैलरीज थी वो उनके अकाउंट में चल रही आती थी, समथिंग लाइक दैट। तो
तो ये होने के बाद सत्यम में काफ़ी ले ऑफ हुआ था, क्योंकि वो कंपनी ही काइंड ऑफ बैंकरप्ट होने वाली थी. सो दैट वॉज द 2008. अगर सत्यम स्कैंडल नहीं होता तो इंडिया तो एक्चुअली अच्छी पोजिशन में था रिसेशन हैंडल करने के लिए. तो शायद आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है जो हमारे अभी करंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम लोग कई बार गैप हो जाता है, हमारी जॉब नहीं लगी है, हमारी पढ़ाई हो चुकी है, उसके बाद जो गैप है उसको फिल करने के लिए हम लोग फेक सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग कहीं से भी सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक साल हमने इस कंपनी में काम किया. और कई ऐसी एजेंसीज भी हैं जो शायद इस तरह का फेक सर्टिफिकेट वाला काम करती भी हैं. तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं और मेरी कंपनी की थोड़ी सी भी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन साइड में जा रही है और मुझे लोगों को निकालना है, तो ये बड़ा अनएथिकल लगेगा कि अगर मैं किसी को किसी एम्प्लॉय को निकालूं. तो मुझे एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा लोगों को निकालने के लिए जो थोड़ा एथिकल लगे. तो वहाँ पर ये जो ट्रिक है ये काम आ जाती है. अल्टीमेटली हो सकता है कि वो बंदा बहुत अच्छा हो, बहुत काबिल हो, लेकिन जब उसका प्रोफाइल हम चेक करते हैं कि यार इसने शायद फेक सर्टिफिकेट जमा किया और थोड़ा सा उसका चेक किया बैकग्राउंड, तो पता चला कि हाँ ये फेक सर्टिफिकेट था, तो इसको निकालने पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा मेरे से, क्योंकि वो अनएथिकल उसने किया है, मैं नहीं कर रहा हूँ. तो शायद कंपनी एक डिफेंसिव मोड में रहते हुए अपना काम करना चाह रही है जिससे कि उनको कभी कोई दिक्कत ना जाए. फिर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं इंडिया में ऐसे कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपको निकाला जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि खासतौर पे सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास इतने तरह का काम होता है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो फिट बिठा सकते हैं. और फिर निकालने के दूसरे भी तरीके हैं यार, दूसरे तरीके से भी टॉर्चर किया जा सकता है, उसको काम ज़्यादा दे दो या दूसरी चीज़ें, लेकिन कंपनीज वैसे अवॉइड करती हैं. मैंने देखा है कि बुरे से बुरे दौर में भी हमारे यहाँ कई सारी कंपनीज थी जिन्होंने निकाला नहीं था. लेकिन जो सत्यम का आपने केस बताया, मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ये भी देखिए सुनने वालों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ समझिएगा. उस समय क्या हुआ ना कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया सत्यम में और उसके बाद फिर वो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे. आपको मालूम है कि कॉलेज में रहते हुए एक साल पहले ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद एक साल तक हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी. क्यों? क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है. और फिर पता चलता है कि सत्यम की ज्वाइनिंग नहीं आती है. क्यों नहीं आती? क्योंकि ये सब सत्यम वाला केस हो जाता है, तो सत्यम से ज्वाइनिंग नहीं आती. तो ये बच्चा जिसका सत्यम में सिलेक्शन हो चुका था, जो निश्चिंत बैठा था और कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था, कोई स्किल को बढ़ा नहीं रहा था, सोच रहा था कि तो बस कंपनी में जाऊंगा तभी मेरा करियर शुरू होगा, वो रोड पे आ गया. मतलब अब उसके पास जॉब नहीं है, अब वो जॉब मांगने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो उसका सबसे बुरा समय हो गया. तो सोच के देखिए कि आप लोग भी ये नहीं कह सकते, जैसे वो व्यक्ति उस समय नहीं कह सकते थे, वो स्टूडेंट उस समय नहीं कह सकते थे कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है. अगर उन्हें पता होता तो वो अपने स्किल को अपग्रेड करने की लगातार कोशिश कर रहे होते. तो आज अगर आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो भी जाता है, तो आप सबसे पहली बात तो ये मानिए कि अपने स्किल इंप्रूवमेंट को रोकिए मत. ये मत सोचिए कि अब तो मेरा जॉब लग ही गया है, अब तो मेरा उस कंपनी में जाना तय है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. मैं ऐसे 2-3 कंपनीज की हिस्ट्री जानता हूं जिसमें ऐसा हुआ कि बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है लेकिन उसके बाद उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली. तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाता है, तो फिर सोचिए उसके साथ क्या होगा. तो उससे बेटर ये नहीं होगा कि हम प्रिपेयर्ड रहें इस सिचुएशन के लिए. तो आपका सिलेक्शन हो जाए तो भी आप स्किल को अपग्रेड करते रहिए. आप ये सोचिए कि मुझे अब इससे बेहतर जॉब के लिए तैयारी करनी है या कुछ अच्छा काम सीखना है, तो लर्निंग और आपकी चालू रहनी चाहिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी हम लोगों ने जो आपके सामने रखी है. और शायद सत्यम वाला जो स्कैंडल है, आई थिंक हमारे कुछ बैचमेट्स थे वो भी अफेक्ट हुए थे इससे. लेकिन अभी अगर हम बात करें जो मेजर इशू की हम बात कर रहे हैं, रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की जो इकॉनमी है, शायद हम बात करते हैं उसे जॉबलेस इकॉनमी बोलते हैं. यानी इंडिया ग्रोथ तो कर रहा है, यानी प्रगतिशील देश तो है, लेकिन उस रेशो में नंबर ऑफ जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. ये बड़ी अजीब बात है. तो इसी कारण शायद हमारे यहाँ जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है. कहने का मतलब ये कि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, और इसलिए वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते. यानी 60% हमारे यहाँ गरीबी है और 60% लोग ये हैं कि अपने करियर को प्लान ही नहीं कर पाते. और माइसर्जी का जो मिशन है वो भी यही है कि लोगों को मेन स्ट्रीम में ला सके. जो लोग पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को हम कुछ गाइड कर सकें. और ऐसा माइसर्जी फैमिली में देख भी रहे हैं कि उन लोगों को फायदा हो रहा है. बहुत सारे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ने हमें पेश किए हैं कि भाई उनकी जिंदगी कैसी थी और अब कैसी हो गई है, उनको जो गाइडेंस मिला उससे उन्हें क्या फायदा हुआ है. तो मैं समझता हूं कि ये माइसर्जी का जो मिशन है ये बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है, और सभी लोग जो सेलेक्ट होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं. तो ये हम लोग एक बहुत सही काम कर रहे हैं. लेकिन जो
जो हम अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो वो इंडियन इकोनॉमी हो सकता है कि थोड़ा सा भी डाउन साइड पे जाए, लेकिन इससे हमारे आईटी सेक्टर पे कितना फर्क पड़ने वाला है ये बात करने की है, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स को कैटर नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूसरे सेक्टर्स की ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या आईटी सेक्टर पे भी कोई फर्क पड़ने वाला है? मेरे हिसाब से तो आईटी सेक्टर पे डायरेक्ट कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, आप क्या कहते हो? देखिए, अगर हम अभी रिसेशन टू रिसेशन अगर कंपेयर करें कि 2008 का जो टाइम था और उस टाइम पे जो रिसेशन आया था, आईटी उस वक्त आईटी इंडस्ट्री जो थी, इट वाज एन एड ऑन सर्विस, मतलब वैल्यू एडेड सर्विस। ये वैल्यू एडेड सर्विस क्या होती है कि मेरे पास ओके ऑलरेडी एक कार है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, अब मैं क्या करूँ, ओके मैं बहुत अच्छा परफ्यूम ले लेता हूँ, मैं एक नई बाइक ले लेता हूँ, इस टाइप की थिंग्स, मतलब एक्स्ट्रा लग्जरी। लेकिन अभी जो आईटी इंडस्ट्री है वो एक बैकबोन है हर एक बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस विदाउट मोबाइल मोबाइल एप्स, वेब एप्स, आईटी कनेक्टिविटी, एप्लीकेशंस, उनके पोर्टल्स, उनका मैनेजमेंट, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी बिजनेस इसके बगैर नहीं चलेगा। 2008 में ऐसा नहीं था। ओके, तो अभी आईटी पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। तो अगर रिसेशन खुदा न खास्ता होता भी है, तो जो उनकी मैंडेटरी सर्विसेज हैं वो तो चलती ही रहनी चाहिए और उसके लिए मैन पावर चाहिए ही चाहिए। तो अभी आईटी इज वेरी सेफ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। हाँ, मुझे तो ऐसा तो भी लगता है शायद कि आईटी सेक्टर को इनफैक्ट थोड़ा फायदा ही हो जाता है रिसेशन के टाइम पे, अगर रिसेशन डायरेक्ट आईटी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है तो, जो कि इस बार का केस है, क्योंकि जब करेंसी डिफरेंस होता है, $1 इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज, ये डिफरेंस जब बढ़ता जाता है ना, तो इंडिया को फायदा होता है। आपको सोच के देखिए कि जो आईटी कंपनीज हैं उनके ज्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो फॉरेन के होते हैं, अब फॉरेन से जो पैसा आता है वो आता है डॉलर्स में, और जब यहाँ कन्वर्ट होता है तो वो रुपीज में हो जाता है। अब जब रिसेशन की बातें चल रही होती हैं तो कंपनी कहती है कि भाई हम तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि भाई रिसेशन चल रहा है, तो वो भी डरा हुआ रहता है कि भाई रिसेशन के टाइम पे मेरे को कहीं जॉब मिली नहीं मिली, इसलिए जो सैलरी मिल रही है मैं उसी पर काम करता रहूंगा। तो हर जो खर्चा करना होता है उन्हें रुपीज में करना होता है, तो वो उन्हें बहुत सस्ता हो जाता है क्योंकि $1 बराबर ज्यादा रुपए मिल रहे हैं अब उनको, तो एग्जैक्टली, कंपनी को तो ज्यादा एब्सोल्युटली। फायदा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर तो इसमें फायदे में रहती है, पता नहीं, शायद कुछ अर्थशास्त्री हैं जो बता सके कि मैं गलत हूं, लेकिन नहीं, अदरवाइज ऐसा ही लगता है। एक्चुअली मेरा थॉट सेम थे। इवन 2008 में मैं यही सोचता था कि जो रिसेशन है ये आईटी इंडस्ट्री, स्पेशली इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। रीजन ये है कि जो भी, जैसे अगर अभी हमने जैसे बोला कि बहुत एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद नहीं हो सकते, अब वो काम अगर यूएस में चल रहा है या यूके में चल रहा है, हम यूएस की बात करते हैं क्योंकि सब कुछ इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंडेंट ऑन यूएस इकोनॉमी, तो अगर वहाँ पर चल रहा है कोई आईटी प्रोजेक्ट, अब वो लोग कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ऑन साइट पर मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि वन एम्प्लॉयज इक्वल टू लाइक 3-4 एम्प्लॉयज़ इन इंडिया। ऑफशोर और ऑन साइट का जो बजट रहता है वो इसी तरह से रहता है कि 1:4, आप जो सैलरी एक को यहाँ पर दे रहे हो उतने में चार को वहाँ पर दे सकते हो। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ करेंसी डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हम नहीं है, और इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ जस्ट द सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो वहाँ से जो जो ऑन साइट के प्रोजेक्ट और जॉब कट्स होंगे, और वही जॉब्स जो हैं वो ऑफशोर में बढ़ जाएंगे और डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ तो आपका और ज़्यादा पैसा आएगा, आपका प्रोजेक्ट अपने पास रहेगा, नए जॉब्स नहीं होंगे, दैट्स फाइन। बट आई थिंक इट इज़ रिसेशन में तो इंडियन कंपनीज का फ़ायदा होता है। दूसरी बात, जैसे आपने बोली है कि हाँ, 1-2 साल तक तो उन्हें इंक्रीमेंट देते ही नहीं है, जो वेरिएबल पे है वो भी हाफ या कई बार तो ज़ीरो देते हैं, 50% या ज़ीरो। उसका भी रीज़न देते हैं क्योंकि रिसेशन चल रहा है, मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, ये वो। तो ज़्यादातर लॉस जो रहता है वो एम्प्लॉय का रहता है, कंपनीज का नहीं। कंपनी तो अपना प्रॉफिट बनाती रहती है, तो उन्हें एक तो फ़ायदा ये रहता है कि एम्प्लॉय कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, उसे इंक्रीमेंट देना नहीं है 2 साल तक, तो काम करवाओ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ मैं, 2008 के पहले हमारे जो वर्किंग आवर्स रहते थे इंडिया में वो 8 आवर्स पर डे होता था। रिसेशन की वजह से 2008 में वो जो 8 आवर्स थे उसको 9 आवर्स कर दिया, लेकिन इतने सालों में वो रिवर्स कभी नहीं हुआ है। आज भी वही 45 आवर्स मिनिमम पर वीक है। ओके, वो कभी भी 40 आवर्स नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो आईटी इंडस्ट्री जो है इंडिया में, जो आईटी कंपनीज हैं, वो लोग तो फायदे में ही रही हैं और आगे भी वो फायदे में ही रहेंगी।
शायद आपकी मेरे इस पास बात तो से उसकी मेरे को लिस्ट एक बात याद आ रही है, हमारे मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक है लेकिन मुझे याद आ रही है कि मेरी बच्ची जिस स्कूल में जाती है वहाँ की बस की फीस सिर्फ इसलिए बढ़ जाती है कि भाई डीजल के दाम बढ़ गए, तो वो बढ़ जाती है लेकिन डीजल के दाम अगर कम होते हैं तो वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही रहती है हमेशा। तो बिल्कुल वैसा ही आपने एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। चलिए, तो मेरा एक जो कंक्लूजन वाला पॉइंट है वो ये है कि एक तो आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं अगर रिसेशन आता भी है तो। दूसरी बात यह है कि अगर रिसेशन आने का कुछ चांस भी है तो हमारे गवर्नमेंट में कुछ अच्छे लोग बैठे हुए हैं, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, जो कुछ नई नीतियां बना के इसको संभाल लेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। तो ये रिसेशन एक तो उतनी इंटेंसिटी में आ ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर आया भी तो आईटी सेक्टर को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। लेकिन हम लोग एक जनरल बात भी अगर आपसे करें, क्योंकि देखिए सब कुछ अनसर्टेन होता है, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है, लेकिन पैनिक वाली सिचुएशन डेफिनेटली नहीं है, ये मैं श्योरली बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए इन जनरल, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं भी आता है रिसेशन तो भी हमको कैसे रहना चाहिए जिससे कि हमारी इस तरह की समय में भी प्रॉब्लम हमें ना जाए। जिसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी जॉब लगती है सबसे पहले तो हम लोग हमारे ड्रीम्स को पूरा करना चालू कर देते हैं। तो हमें लगता है कि हमें अच्छी कार खरीदनी है, हमें लगता है कि हमें घर बनाना है, हमें लगता है कि बहुत सारे अप्लायंसेस हमको घर के लिए लेने होते हैं, हम लोग अपने ऐशो आराम के लिए कुछ हमने ख्वाब देखे होते हैं तो हम उनको पूरा करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी कंपनी का एक एम्प्लॉय आया और उसने बोला कि भाई देखिए हमारे बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है, ले लीजिए। हम क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं, हम उससे खर्चा कर ना भी चालू कर देते हैं और हम लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाते हैं। हम लोग ऐसा हो जाता है कि हमारी सैलरी आती है और खत्म हो जाती है। आपकी सैलरी चाहे 20,000 रुपये महीना हो, चाहे 50,000 रुपये महीना हो, चाहे 1.5 लाख रुपये महीना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अल्टीमेटली कुछ भी सेव नहीं हो रहा होता है। ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन है, ये हमारी आदत की बात है, इसको हमें सुधारने की जरूरत है। सबसे पहली बात, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको अगर यूज करने की आदत पड़ जाती है तो आप हमेशा कर्जे में रहते हो और वो कर्जा आपको परेशान करेगा। आप सोच के देखो कि अगर कभी कुछ अनसर्टेन है, सब कुछ अनसर्टेन है, तो आपकी जॉब चली जाती है या कुछ रिसेशन का पीरियड है, आपका आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप कितने समय तक सर्वाइव करने की स्थिति में हो? आर यू रेडी फॉर दिस? तो अगर आप अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ी सेविंग पे ज्यादा ध्यान दें, तो होगा ये कि आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि अगर आज आपकी जॉब चली भी जाए तो अगले 6 महीने तक आप जॉबलेस रहते हुए भी आपकी लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी जो मिनिमम जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। एंड दूसरी बात यह है कि आपको अपनी लाइबिलिटीज को मिनिमम रखना है। देखिए कुछ चीज़ें बहुत एसेंशियल होती हैं, आपको उन पे खर्चा करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अननेसेसरी खर्च कर रहे होते हैं। जो हमारा शॉपिंग मॉल का जो कल्चर है कि वहाँ जाओ और चीज़ें पिक करो और लास्ट में बिलिंग करो, इस कल्चर में हो ये गया है कि हम लोग बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो हम बहुत सारी अपनी आदतों को अगर चेंज कर लें, हमारी ज़रूरतों को मिनिमम रखें, तो हो सकता है कि रिसेशन वाले पीरियड में भी हम इकोनॉमिकली बैलेंस्ड हों और हमें इतनी दिक्कत ना हो। तो शायद बहुत सारे आपके भी फ्रेंड्स होंगे इस आईटी इंडस्ट्री में जिनकी सैलरी जितनी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि कई बार अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊं तो जब मेरा जॉब लगा था तो उस वक्त क्रेडिट कार्ड देने के लिए आ जाते थे, तो पहले तो समझ में नहीं आता था कि क्रेडिट कार्ड है क्या। क्रेडिट कार्ड इज़ समथिंग लाइक कि आप दूसरों के पैसों पर रैश कर रहे हो और आप ईएमआई चुकाते रहोगे, और एक बार क्रेडिट कार्ड की आदत लग जाती है ना तो वो आपको ईएमआई देते देते ही आपकी सैलरी हो जाती है। तो सैलरी आती है, सैलरी का एक तो इंतज़ार करते हो, फर्स्ट आएगी या 31st आएगी तो सैलरी लेंगे। जैसे सैलरी आती है तब आप काउंट करना लग जाते हो कि अच्छा इसमें से बचने कितना वाला है। तो अभी ये रिसेशन हो या नहीं हो, अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है और अपने करियर को आगे तक बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आप अपने जो ईएमआईज हैं उसको ज़ीरो रखो या मिनिमम रखो एटलीस्ट, ओके। और उसके बाद जैसे सौरभ ने बोला कि कम से कम 3 to 6 months की सैलरीज आपके पास ऐसे ब्लॉक रहनी चाहिए कि वो आपका एक सेविंग है। इससे आपको फायदा होगा अगर आप ऐसे जॉब में लग जाते हैं जहां आपको जॉब पसंद नहीं है, ओके। तब आप वहां से जॉब से नहीं निकल पाते बिकॉज ऑफ योर एक्सपेंसेस। आपके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि यू कैन नॉट इवन थिंक कि अगर एक महीने का पेचेक नहीं आया तो मेरा क्या होगा। सो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपनी सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए।
और सौरभ एक और बात बताता हूँ मैं, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, जो स्टार्टअप्स जो स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ यूएस की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स इंडिया में भी सेम ही होगा, जो यूएस में स्टार्ट करते हैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इंडी हैकर्स। ओके, इंडी हैकर्स वो लोग रहते हैं जो एज ए डेवलपर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने जॉब किया है, जो अपने स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उनका एक ही ट्रेंड रहता है कि मुझे 6 मंथ तक क्या मैं विदाउट सैलरी काम चला सकता हूँ क्या। उसी से उन्हें एनकरेजमेंट मिलता है कि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। बिजनेस के लिए आपको लोन मिल जाएगा, आप घर बैठे भी आप एक दो लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली सॉफ्टवेयर का, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जो सैलरी नहीं आ रही उसका क्या करोगे, उसके लिए आपकी सेविंग्स काम आएंगे। तो याद रखिए, टारगेट बना के रखिए कि आपका 3 to 6 month की सैलरी एज ए सेविंग रहने चाहिए, एंड इट इज ओनली फॉर योर यू नो इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी जॉब रिलेटेड, ओके, नॉट अदर इमरजेंसीज। सो याद रखिए। दूसरी बात सौरभ, बहुत से लोग बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की, और जॉब सिक्योरिटी जैसे आप बार बार बोलते हैं, जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ, जो मैं भी इसी बात पर बिलीव करता हूँ कि अगर आप जॉब सिक्योरिटी सिक्योरिटी के बारे में सोचते सोचते जॉब करेंगे तो शायद आप अच्छा जॉब कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये डर लगा रहेगा कि कहीं मुझे जॉब से तो नहीं निकाल देंगे, तो मैं कुछ भी काम कर लूंगा बस मुझे जॉब पे रखो। तो मेरे ख्याल हाँ से तो जॉब बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल इज अ मिथ। सही सही बात आपने कही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जिनका ये सोचना रहता है कि एक बार बस जॉब लग जाए और उसमें परमानेंट का ठप्पा लग जाए कि हमको कोई अब वहाँ से निकाल नहीं सकता, तो वो ऐसा होता नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहीं पर भी जॉब की सर्टेनिटी नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जॉब कल रहेगी कि नहीं रहेगी। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप गारंटी नहीं दे सकते। तो इट्स बेटर कि आप ये दिमाग से निकाल दें कि जॉब सिक्योरिटी कुछ होता है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप जॉब सिक्योरिटी से ज्यादा अपनी स्किल पे काम करें। अगर आपको कुछ आता है, हुनर है आपके अंदर और उस चीज की लोगों को जरूरत है, तो आपको काम हमेशा मिलेगा। एक कंपनी से जाएगा तो दूसरी कंपनी में मिल जाएगा, या आप खुद से भी वो काम कर सकते हो, तो आप कम से कम सर्वाइवल की दिक्कत नहीं होगी। और अगर हमने कहा कि जरूरतें कम रखो, तो फिर आपके सर्वाइवल की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये भी मैं पक्की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी जरूरतें कम है, आप पे कर्जा कम है, तो आप सोचिए ना कि आप ज्यादा समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। और जितना समय सर्वाइव करने के लिए आपको मिलेगा, ऑब्वियसली आप उतने समय में कोई एक नया इनकम सोर्स बना पाओगे, तो आपके पास रास्ते रहेंगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ में आपको ये जज करना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह के इंसान हो। आप में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंटरप्रेन्योर लेवल के इंसान हो, मतलब आप लोगों को मैनेज कर सकते हो, काम को मैनेज कर सकते हो, क्या आप इस टेंडेंसी के व्यक्ति हो, या फिर आप जॉब करने वाली टेंडेंसी के व्यक्ति हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग करने वाले व्यक्ति हो कि भाई मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है और मैं टीम को भी मैनेज नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप बोलो कुछ काम, मैं काम करके दूंगा, उसका पैसा आप मेरे को दे दो, मैं इस तरह की टेंडेंसी का हूं। तो आप देखिए कि आप इन तीनों में से किस तरह के ज्यादा इंसान हैं, क्योंकि जब आप करियर को चूज करते हैं ना, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप में एंटरप्रेन्योर वाली स्किल है, तो आप क्यों जॉब के लिए परेशान हो रहे हो भाई? आपको जॉब नहीं करनी है, आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, आप उसके बारे में सोचिए। और अगर मान लीजिए आप जॉब करने वाले इंसान हो, तो क्यों आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेगा, आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। या फिर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, तो फिर वही बनो ना भाई, क्योंकि आप किस में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो आपको सिक्योरिटी दिलवाएगा, रेदर देन कोई जॉब के भरोसे बैठे हो कि इसमें मेरी जॉब लग गई तो अब तो मेरे को कोई नहीं निकाल सकता। तो ऐसा बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो यही पॉइंट है शायद। और इससे एक और बात होती है सौरभ, जो एक पॉइंट आपने पहले बोला था कि इंडिया में जॉब इतने ज़्यादा निकल नहीं रहे हैं और सब लोग जॉब के पीछे लगे हुए हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, सब लोग जॉब के पीछे लगे हुए हैं, कोई ये नहीं सोचता। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा है उनमें सिर्फ MBAs, IIMs या IITs वाले ही ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी स्टार्ट करें और उसमें जॉब करें। बाकी जो भी ज़्यादातर लोग हैं वो बस यही है कि ओके मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ, अगर इस कंपनी में मुझे जॉब मिल गया तो बस आई एम सेफ। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हम सर्विस कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो TCS, इंफोसिस, एक्सेंचर में लाइक 15 ईयर्स, 20 ईयर्स हैं, पूरा करियर उसे में निकाल दिया। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट इट इज़ ऑल्सो कि मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि हम अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें,
तो या तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की, या फिर वो उस तरह के व्यक्ति नहीं है, उस तरह के पर्सन नहीं है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें जो ऊपर के आती है ना, ये कॉलेज टाइम में आती है। तो दिस इज़ योर परफेक्ट टाइम टू इवेल्युएट योर सेल्फ। और अगर इवेल्युएट नहीं, तो कम से कम ये ध्यान दीजिए कि अगर मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, भले ही मैं करूँ या नहीं करूँ, लेकिन कम से कम मुझे पता होना चाहिए सो दैट आई डोंट सफ़र इन द फ्यूचर। सो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने लिए टाइम निकालिए, देखिए कि आप एक्चुअल में किस तरह की पर्सनालिटी है आपकी और आप किस तरह का काम कर सकते हैं। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में। और शायद ऐसा है कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर रिसेशन आने के बावजूद भी इतनी दिक्कत होती नहीं है, ऐसे सेक्टर्स के लिए अगर हम प्रोजेक्ट्स बनाएं, खास तौर पे मैं एंटरप्रेनर्स के लिए बोलूंगा जो लोग अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि आप हेल्थ सेक्टर के लिए काम करिए, आप एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करिए, आप एनर्जी इंटरनेट प्रोफेशन से रिलेटेड काम करिए, लॉ से रिलेटेड कुछ काम करिए। ये रिलेटिवली ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें रिसेशन का कोई खास असर होता नहीं है, ये एवर ग्रीन फील्ड हैं, क्योंकि इनकी ये बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं और इनकी ज़रूरत हमेशा रहने वाली है। तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहें, जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो टीचिंग प्रोफेशन को कभी कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये अगर मैं अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूँ और इसलिए मेरा डाउनफॉल हो रहा है तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर प्रोफेशन की बात करें तो इसमें कभी डाउनफॉल नहीं आएगा, लोग बीमार होना बंद नहीं करेंगे, तो हेल्थ सेक्टर जो है वो हमेशा एवरग्रीन सेक्टर रहेगा। तो लोगों को इस तरह के सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा हमें प्लानिंग करनी चाहिए, देखिए अनसर्टेनिटी तो है, इंसान घर भी बनाता है तो इसलिए कि सुरक्षा मिले, लेकिन कुछ हादसा तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, तो हम हमेशा सिर्फ सुरक्षा के दायरे को और मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं और यही बेस्ट है जो हमें करना चाहिए। बाकी जैसे रिसेशन की हम लोगों ने बात करी जिसमें लोग परेशान हो सकते हैं, तो हमने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, पर एक आइडिया और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने चाहिए, क्योंकि होता ही है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपकी जॉब चली जाती है या आपके पास पैसा आ नहीं रहा है, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहां पे आपका सामान बिक जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, तो उससे बेटर ये है कि आप शुरुआत से ही मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने के बारे में बात करें। इनफैक्ट हम इस पर एक सेपरेट वेबकास्ट ले सकते हैं कि मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे बनाई जाए, क्योंकि हम लोग शायद देख रहे हैं कि हम लोग अभी इस एज में आ चुके हैं, हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो एक ही जॉब पे डिपेंडेंट है और इसीलिए वो ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर ये जॉब नहीं रहेगा तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा और मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता, उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता कि वो कुछ और कर सकते हैं। तो ये जो समय है उन लोगों के लिए, उन्हें एक और इनकम सोर्स बनाने की ज़रूरत है जो बहुत लोग नहीं बनाते हैं। तो वो शायद आई थिंक ये एक सेपरेट वेबकास्ट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, तो हम लोग अपनी लिस्ट में इसे ऐड कर लेते हैं। It's a good topic. और हमें हमें नॉलेज पे अपना रिलाय करना चाहिए, जॉब पे उतना भरोसा मत करिए, जॉब आती जाती रहेगी, और अपनी क्रिएटिव स्किल को हमेशा ट्रिगर करिए, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको जिसमें आपको मज़ा आता है, आप उसमें कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, तो वो क्रिएटिव स्किल को आप जिंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी आपको पैसा कमाने का एक जरिया भी बन सकती है। तो जितना हो सकता है ना, इन्वेस्ट करिए लर्निंग में। और शायद जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन यूथ से, उन लोगों को हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए ये बहुत चेंजेस वाला समय, ये ट्रांजिशन वाला समय, आप चाहे पॉलिटिकल लेवल पे देख लीजिए, इकोनॉमिक लेवल पे देख लीजिए, टेक्निकल टेक्नोलॉजी के लेवल पे देख लीजिए, आप पहले हम लोगों को जो समय था जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो उस समय चीज़ें इतनी तेजी से नहीं बदलती थी। अगर कोई मार्केट में नई चीज़ आई है तो वो ट्रेंड कुछ समय टिकता था, यहाँ तो ट्रेंड आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है, यानी कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा समय के लिए रहती नहीं है। तो ऐसे में ये अनसर्टेनिटी तो बढ़ने वाली है, ये स्टेबल नहीं रहने वाला है, यू हैव टू अपडेट। आप अगर अपडेटेड नहीं रहोगे तो आपको इससे प्रॉब्लम जाने वाली है, क्योंकि ये वक्त अलग है, ये आपका वक्त है, ये आपकी जनरेशन का वक्त है, तो आपको उसके हिसाब से ढलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है, इसमें बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हो रही हैं, लेकिन अगर आप अपने पुराने तरीके को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, आप को दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कि लर्निंग बहुत ज्यादा करिए, आप किसी भी फील्ड में होते हो, अगर आपने लर्निंग जारी रखी तो जो मार्केट में चेंजेस होते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास काम हमेशा रहेगा, और अपने सर्वाइवल के लिए आप अपनी लायबिलिटीज को मिनिमम साइड पर रखिए ताकि आपको रिसेशन जैसी चीजों से कोई फर्क ना पड़े। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि रिसेशन से जुड़ी कोई ऐसी
बात है जो आपके मन में डाउट है और वो बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए, आपके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो शायद आज हम लोग इस वेबकास्ट को यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे, एंडिंग रिचुअल्स हम लोग पूरा कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? या डेफिनेटली आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग व्हाट वी वांटेड. सो चलिए अब आप बताइए कि नेक्स्ट वेबकास्ट हमारी कौन सी है और हु इज द विनर. यस, पिछली जो हमारे लर्न एंड अर्न कॉन्टेस्ट था उसके विनर रही हैं सोनाक्षी बब्बर, जिनको जो भोपाल से ही हैं बेसिकली, जिनको बहुत जल्दी उनके घर पे ये माईसर जी का गिफ्ट मिल जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई सोनाक्षी। और जो अगली वेबकास्ट हमारी होने वाली है वो होगी नेक्स्ट सैटरडे यानी 28 सितंबर को रात को 10:30 बजे सैटरडे को, और इसका टॉपिक रहेगा टीचिंग एज अ करियर इन द आईटी सेक्टर। देखिए आज हम रिसेशन की बात कर रहे हैं और मैंने ये भी बोला कि टीचिंग एक ऐसा करियर है जिसका रिसेशन से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, और टीचिंग एक ऐसा करियर भी है जो बड़ा जिम्मेदारी का जॉब भी है। तो कई सारे लोग, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करते होंगे कि हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है, तो फिर जब आप एग्री करते हैं तो फिर आप में से कई लोग ऐसे भी होने चाहिए जिनकी टीचिंग स्किल अच्छी है, उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए। तो इसके बारे में हम जो कन्वेंशनल टीचिंग स्किल है, टीचिंग फील्ड है, उनसे अलग हटके भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि एज अ टीचर ये जॉब भी बहुत ग्लैमरस हो सकता है, ये जॉब भी बहुत ज़्यादा लग्जीरियस हो सकता है, ये जॉब भी बहुत अच्छे पर्क्स आपको, पैसा आपको दे सकते हैं, लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। तो ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आईटी सेक्टर में कि आप टीचिंग साइड में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वेबकास्ट में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखना चाहते हैं। शायद एंडिंग रिचुअल्स में मैं हमेशा की तरह बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लोगों के काम का हो सकता है तो आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर कर सकते हैं प्लीज इसको शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय।